बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुक बुक बाय आमना। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आपको हर शर जिन और इनसे महफूज रखे, आमीन। चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, जो कि सर्दियों में मोस्टली पिया जाता है। चलिए, चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए मैं आपको बताती हूँ। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है चिकन, जो कि मैंने बॉईल करके श्रेड करके रख लिया है। एंड डेफिनेटली कॉर्न्स चाहिए, और ये मैंने टिन वाले स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, और मैंने इसका सिरप डिस्कार्ड नहीं किया है। इसको हमने सूप में सिरप के साथ ही ऐड करना है। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं नमक, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है, और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ये मैंने लिया है तकरीबन 1/4 टी स्पून। ये है सिरका, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मेरे पास है स्वीट सोया सॉस, ये थोड़ी सी थिक फॉर्म में होती है, और ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया। और ये है नॉर्मल सोया सॉस, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। स्वीट सोया सॉस हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, अगर आपके पास स्वीट सोया सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर सोया सॉस डाल सकते हैं, और इसकी जगह पे हम फिर थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे सूप में जी। साथ ही साथ मैंने ले लिए हैं 2 एग्स ले लिए हैं, इनको मैं बीट करके सूप में डालूंगी। और सूप में मोस्टली चाइनीज सॉल्ट भी डलता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं वो नहीं ऐड करूँगी। और यह है चिकन स्टॉक यानी कि यखनी, जो कि सूप का मेन इंग्रेडिएंट। मैंने चिकन बॉईल करके यखनी निकाल के पहले से ही रख ली थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने चिकन कॉर्न सूप को कैसे तैयार करना है जी। सबसे पहले हमने इस यखनी को स्टेन कर लेना है। यखनी को स्टेन करके मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, और ये मैं डाल रही हूँ स्वीट सोया सॉस। अगर आपके पास स्वीट सोया सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ी सी शुगर ऐड कर दें, लाइक 1/2 to 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं चिकन भी डाल रही हूँ, जो कि मैंने पहले से श्रेड करके रखा हुआ है। नाउ कॉर्न्स ऐड करूंगी। अब मैंने इसके अंदर सब कुछ ऐड कर दिया है, कॉर्न्स, चिकन, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस एंड स्वीट सोया सॉस, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और अब इसको एक बॉईल आएगा, और हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे जी। इस कॉर्नफ्लोर को भी मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। ऑलमोस्ट 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर में मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। जी, ये इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। आपने कॉर्नफ्लोर डालते जाना है और इसको हिलाते जाना है साथ साथ। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है। ऑलमोस्ट ये 6 to 7 कप ऑफ यखनी था, जिसमें 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर चला गया, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है जी। अब मैं इसके अंदर एग डाल रही हूँ। अगर आपको मोटा मोटा पसंद है तो आप अंडा डालें, और फिर स्लो स्लो इसको मिक्स करें। ये देखें,
ये आपका कॉर्न सूप हो गया है तैयार। बस इसके अंदर एक सिरका ऐड करने वाला रह गया था जो कि मैं अभी ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर नमक और बाकी स्पाइसेस चेक कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस को सेट कर लें। जी, चिकन कॉर्न सूप तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जी, तो ये मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप तैयार हो चुका है। इसके साथ मैंने दो सॉसेज रखी हैं, एक चिली सॉस और ये मैंने सिरके के अंदर हरी मिर्च काट के और इसको 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में कर दिया है और ये सॉस तैयार हो गई थी। ये जो मैंने सूप की क्वांटिटी बनाई है ऑलमोस्ट 5 to 6 सर्विंग्स के लिए बेस्ट रहती है। अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ विथ कॉर्न्स और थोड़ा सा बॉयल्ड चिकन। चिकन कॉर्न सूप रेडी हो चुका है। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।